सच साहस सरोकार। टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई पर एनआईए ईडी का सबसे बड़ा एक्शन, 106 लोग हुए गिरफ्तार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले उन पर भड़के ओवैसी, बोले हाई क्लास के झूठे लोग हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में लगेगा विपक्षी नेताओं का जमावड़ा, नीतीश कुमार और शरद पवार रहेंगे मौजूद। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली का बड़ा बयान, भारत को मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी जगह। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने किया खुलासा, सरफराज अहमद को टीम में वापस नहीं आने देंगे मोहम्मद रिजवान। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में संभावित दौरा हो सकता है। इस दौरान सीएम गीता वाटिका स्थित हनुमान प्रसाद के 130वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान सीएम आगमन को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अभी सीएम आगमन का कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का एक दिन महिला विधायकों के लिए बेहद यादगार बनने जा रहा है। आपको बता दें कि पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक ऐसा सत्र होगा जिसमें एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा। इस दिन महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया है जिसमें सदन में सभी विधायकों की भी उपस्थिति रहने के लिए कहा गया है। वहीं इस दिन को खास बनाने के लिए 150 महिलाओं को विधानसभा में आमंत्रित किया गया है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने नई रेल बस के संचालन का उद्घाटन किया, जिसके बाद मीटर गेज में ब्रॉडगेट कन्वर्जन के जानकारी देते हुए और भी नई ट्रेनों को जल्द संचालन की बात कही। साथ ही उत्तर प्रदेश रेलवे और मंडल रेल प्रबंधक के विकास कार्यों के बारे में बताया। वहीं इस दौरान ZRUCC और GRUCC मेंबर समेत रेलवे के कई कर्मचारी उपस्थित रहे। सारथी इसका नाम है, वृंदावन का जो गेटअप है इसका, हमारी रेल बस का, वो भी यहाँ से मिलता जुलता यहाँ के उस पर ही रखा गया है। इसके अंदर जो इंजन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, पहले 180 एचपी का था जिसकी जगह भी 320 एचपी का इंजन इसमें लगाया गया है। दूसरा, अंदर में CCTV है ताकि सुरक्षा संरक्षा लोगों की देखी जा सके। जो ड्राइवर है उसका डेस्क में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। अंदर में म्यूज़िक के लिए PA सिस्टम लगाया गया है, कोई बात करना है उसके लिए PA सिस्टम लगाया गया है। और कुशन सीट्स हैं, पहले से कहीं ज़्यादा आरामदायक ये सुविधा यहाँ दी जा रही है। ये गोकुल और आगे भी जाना चाहिए और पीछे से भी यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट होके ऐसा चलता जाए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी ए मेट्रो, स्मॉलर काइंड ऑफ ए मेट्रो विद ट्रेन रोड्स ऑल्सो, पासिंग रोड ऑल्सो साथ साथ। तो उसके लिए सब जगह सब एक्वायर करके प्लान करके फिर करेंगे वो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विच विल हैपन, बट एट द मोमेंट ये ऐसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था अभी, इसकी वजह से अभी ये शुरू किया, इसका सबको आनंद उठाना चाहिए।
एनआईए ने देश के 10 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पीएफआई के 9 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में वाराणसी में भी 2 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ में सामने आए तत्वों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों के लखनऊ ले जाया जाएगा। फिलहाल एटीएस अफसरों की इस मामले में अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा में सीएमओ के अचानक अस्पताल निरीक्षण से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधीक्षक समेत कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वहीं रेबीज का इंजेक्शन लगातार ना लगने की शिकायत पर सीएमओ ने कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। ब्लॉक लेवल की सीएससीज हैं, उसके बेड एक्सटेंशन का वो चल रहा है इस समय, उसके अंतर्गत जो है कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। तो मुझे ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है ख़राब हो रहा है, जिसके संबंध में मैंने वहाँ औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो भी जो वो प्लास्टर कर रहे थे उसका मसाला जो है थोड़ा मुझे घटिया किस्म का लगा। तो मैंने अपने सामने जो है जो उन्होंने बताया उसी रेशियो का मसाला बनवा के देखा तो वो जो है उसका कलर डिफरेंट था। तो मैंने संबंधित ठेकेदार से बात किया और उनको जो है बोला और अपने जेई को कहा कि इसको देख के इसमें सुधार करवाएं, अन्यथा उनके अगेंस्ट कार्रवाई करूंगा। फरुखाबाद में लगातार बारिश से युवावास के सामने जर्जर भवन ढहकर गिर गया। आपको बता दें कि इसमें नगर पालिका कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहता है। भवन के पूरी तरह से जर्जर के बावजूद भी अधिकारियों ने किसी को भी भवन को निष्प्रयोजक घोषित नहीं किया। वहीं घटना के बाद तत्काल पालिका कर्मी को भवन खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। ऐसा क्या बहू बच गई? और क्या कहते हैं, बिल्डिंग पहले से भी जर्जर थी और हमारा 50,000 का नुकसान भी हो गया। आप कब से यहाँ पे रहते हैं? हम 5 साल, 5वीं साल है हमारे यहाँ। 5 साल से यहाँ पे रहते हैं। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी? लगभग 35-36 साल पुरानी। उस पर बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग का। 85 में बनी, 85 है कि 82, कितनी है? 85 है, बोर्ड लगा हुआ है उसमें। इतनी जल्दी जंजर है बिल्डिंग, ऊपर से भी गिर रही, नीचे से भी गिर रही है। इसमें कार्रवाई कुछ नहीं होनी है, वो चूँकि माहौल काफ़ी पुराना है और जर्जर स्थिति में आपको मौके पर भी विद्यमान है और बरसात के कारण उसका एक हिस्सा जो है गिरा है। अमेठी के ककवा रोड पर बन रहे ओवरब्रिज में लगातार आ रही बाधाओं को लेकर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है। ओवरब्रिज बनकर चिन्हांकन की भूमि को कई बार नोटिस देने के बावजूद स्थानीय लोग खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने भारी पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ ओवरब्रिज के पास की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया। ककवा रोड पे एक ओवरब्रिज बनना था, बहुत दिन से पेंडिंग था, तो लोगों से वार्ता की गई, कई अल्टीमेटम दिए गए, नोटिसें दी गई नगर पंचायत द्वारा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा हटाया नहीं गया। एक लास्ट नोटिस भी कुछ दिन पहले दिया गया था, कई बार जेसीबी के माध्यम से भी उनको अवगत कराया गया सांकेतिक रूप से कि अब टाइम कम है उनके पास, बट उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की, तो इसलिए निर्माण के लिए हमें ये कदम लेना पड़ा। गोरखपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बच्चा चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को अगवा कर फिरौती की मांग कर रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है, साथ ही अगवा बच्चों को शाकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि भवानी गांव के एक 5 वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था, जिसकी फिरौती के लिए फोन किया गया था, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 24 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया। थाना बेलगाट जनपद गोरखपुर के गांव बदवा भवानी बक्सिम, वहां श्रीमती आशा देवी नाम की एक महिला का बच्चा रात में गायब हो जाता है। इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दिया। रात में ही थाना प्रभारी बेलघाट, चौकी इंचार्ज पूरी बाजार ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से घेराबंदी करने का प्रयास किया और उसमें फिर ये कहीं भाग नहीं पाया। कल इनकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया और बच्चे की भी सकुशल बरामदगी हो गई, अभियुक्त पकड़ लिया गया है।
मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह के एक शातिर चोर की चोरी सामान सहित गिरफ्तारी किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। वहीं अभियुक्त के पास से चोरी की गाड़ी, अवैध तमंचे समेत कई अन्य सामान भी बरामद किया गया है। देखिए, मार्ट पुलिस और हमारी जो सर्वेलेंस और स्वाट टीम है, इन लोगों के द्वारा एक अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि आज सफलता मिली कि सुबह तड़के लगभग 4 बजे एक व्यक्ति को नसीटी अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और कैंची नुमा हथियार, इन्वर्टर इस्तेमाली और कुछ जो है इसके पास से ये जो सफेद धातु की ये जेवरात बरामद हुए हैं। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र निवासी एक युवक ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। युवक ने बताया कि ट्यूबवेल लगे होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, पानी खरीद कर ही लाना पड़ रहा है। इस मामले में नगर निगम का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। स्थिति इस टाइम इतनी खराब है साहब, आज ना ही खाने को है ना ही पानी पीने को है, और इतना जल भरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर निकल नहीं पा रहे मौसम लोग। तो वहाँ बता दें, बराबर में ट्यूबवेल भी लगवाए, वो ट्यूबवेल सर नाम का है, उसमें कोई काम नहीं होता, पानी फुल भरा हुआ है। इधर पानी थोड़ा बहुत उतरता भी है, फिर शाम में भर जाता है, समझे। अल्लाह से गैर भी मदद हो रही है। ताजा माल की स्थिति इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बड़ी परेशानियों से यहाँ पब्लिक का सामना कर रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बच्चों के लिए खाने पीने का कोई साधन नहीं है और पीने का तक पानी यहाँ पर नहीं है। तो मेरा नगर निगम से निवेदन है कि आप टैक्स पे ध्यान देते हैं, टैक्स पे दावेदारी टैक्स भी करते हैं, तो टैक्स के साथ साथ विकास भी होना चाहिए, जो नगर निगम को नहीं हो रहा। गाजियाबाद के मोदी नगर के भोजपुर थाना क्षेत्र में एटीएस ने धावा बोल दिया। आपको बता दें कि टीम पीएफआई एजेंट परवेज को गिरफ्तार करने गई थी, जहां महिलाओं की आड़ लेकर परवेज मौके से फरार हो गया, जिसके बाद एटीएस ने पीएफआई एजेंट के दो साथियों को हिरासत में ले लिया। एजेंट परवेज को पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा है, जो कि पहले भी राजस्थान मेरठ और मोती नगर से जेल जा चुका है। खबर औरैया के गेंदालाल दीक्षित चौराहे से है, जहां चौराहे के पास स्थित फायर स्टेशन में पीछे की दीवार टूटने से तालाब का पानी भर गया, जिससे कि पूरा फायर स्टेशन जलमग्न हो गया, जिसके बाद से क्वार्टर में बह रही महिलाओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं नगर पालिका और गेल के कर्मचारी फायर स्टेशन का पानी निकालने में जुटे हुए हैं। हमारा फायर सर्विस स्टेशन है, इसके जस्ट पीछे एक तालाब है, जिसमें शहर के काफ़ी जगहों से, नालों से, नहरों से पानी आता है। कल बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई, उससे जो पीछे की दीवार है वो टूट गई है। वो दीवार गिरने से तालाब का सारा पानी इसमें आ गया है, और अभी रेस्क्यू के लिए हमने 5-6 फायर टेंडर लगवाए हैं, जिससे सक्शन करके पानी बाहर निकाला जा रहा है। लगातार रुक रुक कर हो रही गुरुवार से बारिश को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड स्टेशन में किस तरह का पानी भर गया है, आइए हमारे साथ हमारे से कुछ कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या समस्या रही। भैया बर्फ पानी गिर गया, किसी भी नुकसान है, क्या कहना चाहिए? क्या गाड़ियाँ हम लोग की पूरा फंसी हुई हैं, और फैमिली हमारी ऊपर क्वार्टरों में नीचे क्वार्टर थे, सबका सामान कुछ भी नहीं निकाल पाए हैं, सब सामान बेड बिस्तर फ्रिज टीवी जो कुछ नीचे था सब कुछ खराब हो गया है, फैमिली हमारी ऊपर फंसी हुई है। पानी जो है रात में मैं 1 बजे 1:30 बजे मैं कॉल आया कि पानी भर रहा है, इसके सब में कुछ भी देख पाते, सब तक लोगों को निकालना था सामान वामान कुछ निकालना है। कितने फुट पानी होता है? पानी सर मेरे को पेट तक। जैसा कि हमारे साथ में नगर पालिका जो भी खड़े हुए, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि ठीक है यहाँ से चर्चा उसका भोजन करा दें सर, बारिश का पानी यहाँ खराब हुआ है, पानी आपके द्वारा ठीक है कार्रवाई की जा रही है? जी, बारिश का पानी शहर में काफ़ी जगह भरा हुआ है, लेकिन यहाँ एक पीछे तालाब है फायर ब्रिगेड के पीछे, तो वो दीवार टूट जाने के कारण इसमें पानी अंदर आ गया है, और ये नीचे नहर नीचे कारण भरा हुआ है। यहाँ पर 3 पंप कट लगवाए हैं नगर पालिका द्वारा,
और फायर ब्रिगेड की भी तीन गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो पानी डैम से निकाल रही हैं। एक दो घंटे के अंदर पानी निकल जाएगा। यहाँ पानी कितने फुल हुआ? लगभग इसमें 3-3.5 फीट पानी भरा हुआ है। जैसा कि नगर पालिका युवा फायर स्टेशन कर्मचारी द्वारा बताया गया कि काफ़ी नुकसान हुआ है, वहीं नगर पालिका युवा द्वारा यहाँ पर 3 पंप लगाकर पानी को निकाला। भाई बात की जाकर फायर स्टेशन की गाड़ियाँ भी लगी हुई पानी निकालने के लिए, बराबर प्रयास जारी है। प्राइम टीवी के लिए जाहिद अख्तर को देखा। हरदोई में इन दिनों सट्टे का काला कारोबार जोरों पर है, जहां काफी तेजी से सट्टा खेला जा रहा है। आपको बता दें कि सट्टा कारोबारी और लतीफ के संरक्षण में इनके गुर्गे कई इलाकों में अपनी दुकान सजाकर बैठे हैं। ये लोग युवा पीढ़ी, गरीबों और नाबालिग बच्चों को लालच देकर सट्टे में पैसा लगवाते हैं और उनका भविष्य को गलत राह पर ढकेल कर उनका भविष्य बर्बाद करते हैं, और कभी कभी उनके चंगुल में फंसकर लोग बर्बाद होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सट्टेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। कोतवाली शहर में इस तरह का मामला जानकारी में आया है। पूर्व में भी इन सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 सटोरी गिरफ्तार होकर जेल गए थे और लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इनको पकड़ा जाएगा और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या ऐसे कोई सट्टेबाजों के नाम पुलिस के संज्ञान में है? अब इसकी जानकारी है, अब इसको गोपनीय रूप से पता किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाएगा। औरैया जनपद में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर बारिश के चलते कच्चे मकान ढह कर गिर गए हैं, जिसके कारण एक दंपत्ति भी घायल हो गया और आकाशीय बिजली गिरने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है। लगातार बारिश के बावजूद भी SDO विद्युत अपनी टीम के साथ विद्युत सप्लाई को ठीक कराने में लगे हुए हैं। जो मकान गिर गया तो 7 बजे के लगभग शाम को हाँ। का का नुकसान है वो तुम्हारे? नुकसान सभी जय में, गेहूँ चावल आटा गैस सिलेंडर बक्सा कूलर पंखा सब जय में है। अच्छा हाँ, कुछ नहीं निकाल पाओ। बच्चा अच्छा की कोई नुकसान नहीं हुआ? के थोड़ी चोट से फिर हम तो खींच लो उसको। अच्छा हाँ, अकरिया बकरिया जय बनी थी? जय में तो साहब तो सब घर है वो मेरे पास पूरे। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में फोटोग्राफी दुकान में घुसकर लूट का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में दुकान संचालक का कहना है कि बाइक सवार 3 युवक फोटो खिंचवाने के बहाने दुकान के अंदर घुसे थे, जिसके बाद तीनों ने मिलकर दुकान मालिक को अंदर बांधकर पैसे और कैमरा लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। आसपास लगे CCTV कैमरे की मदद से पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 3 बंदे आए थे बाइक पे, रात को लूटपाट करके ले गए हैं, कैमरे लेके गए हैं और पैसे लेके गए हैं और मेरी कंपनी पे कट्टा रखा। अच्छा, कितने लोग आए थे दुकान में? दुकान में 2 लोग आए थे। अच्छा जी, और कोई बाहर भी था कोई इसके साथ ही? हाँ, एक बाइक पे था। अच्छा, कितने रुपए हैं? 2000 रुपये लमसम। अमेठी में सड़कों का बुरा हाल है। लगातार बारिश के चलते कच्ची सड़कों में जलभराव से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, जिसको देखते हुए ग्रामीण खुद चंदा इकट्ठा कर सड़कें बनवा रहे हैं। वहीं मामले पर ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान से लेकर जिला प्रशासन और सांसद से शिकायत के बावजूद भी कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। यह है भैया कि हम लोग को बड़ी परेशानी है, जब से आजादी आए तब से 8 दिन तक हमसे कहत कहत हैरान ही जाता ही, और रोड बना नहीं और हमारे सबके तीनों तरफ नदी है, खाली एक तरफ निकाल रहा है। सर, देख रहे हैं आपकी अब ये रास्ता जो है एकदम खराब पड़ी है, इसमें हम लोग काफ़ी दिन से लगे हैं कि चंदा लगा के बनवा रहे हैं। इसमें कई बार जो है हम लोग अप्लीकेशन भी दिए हैं जिसमें कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है और प्रधान से कहा जा रहा है कि हमारे बजट में आता ही नहीं है। ये सड़क बहुत ख़राब हो गई थी, कई लोगों से हमने कहा कि ये सड़क बनवाई जाए, बच्चों को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है, किसी ने हमारी बात को सुना नहीं। हम लोग अपने आप से ये सड़क बना रहे हैं चंदा लगा करके, इसमें 500 टाली अर्थात डाल चुके हैं, लाखों रुपए खर्च करके अपने आप से हम सड़क बना रहे हैं। पूरा देश
आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम बात करेंगे अमेठी ज़िले के। अमेठी एक VVIP जिला है जहां पर उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भाजपा की सरकार है। आज अमेठी ज़िले के VVIP व्यवस्था की मैं बात करूंगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्यों का दावा करती है, लेकिन वहीं पर सरकार के विकास कार्यों का यहाँ पर लगभग पोल खुलता हुआ नज़र आ रहा। आज मैं बात करूँगा संग्रामपुर के करनई के शिवपुरी की, जहां पर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक गांव वालों को सड़कें नसीब नहीं हुई है। ऐसे में गांव वालों ने थक हार के प्रधान से लेकर सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन इस शिकायत का यहां पर कोई असर नहीं देखने को मिला। ऐसे में थक हार के गांव वालों ने अब चंदा इकट्ठा करके खरिंजे का कार्य शुरू कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि सूबे के मुखिया या अमेठी प्रशासन इस प्रकरण को संज्ञान में लेता है या नहीं लेता है। ये समस्याएं ज्यों का त्यों ही बनी रहती हैं। जिस प्रकार सड़क खराब होने की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं अन्य समस्याओं से ये गांव के लोग जूझ रहे हैं। पढ़ने के लिए जब बच्चे जाते हैं, बारिश होती है तो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। कोई व्यक्ति बीमार होता है, ऐसे में उनकी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। ये अमेठी ज़िले के संग्रामपुर के केरनई में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। अब देखने वाली बात है ये है कि क्या सरकार इनकी प्रकरण को संज्ञान में लेती है या नहीं लेती है। अमेठी से प्राइम टीवी के लिए अरविंद यादव की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।